फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटे जीनियस। स्वागत है आप सभी का इस पॉपुलर चैनल मेंटे जीनियस में। तो दोस्तों, मैं रजनी अग्रवाल आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार और गजब की ट्रिक्स, जिसको यूज करके आप लोग मात्र 2 सेकंड के अंदर अंदर इन फिगर्स की के अंदर के फिगर्स काउंट करना सीख जाएंगे। लाइक यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स काउंट करनी है इन फिगर्स के अंदर, और फिर इन फिगर्स में काउंटिंग रेक्टेंगल, काउंटिंग स्क्वायर करना सीखेंगे। आप 2-3 सेकंड में इन फिगर्स के अंदर के फिगर्स को काउंट कर पाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए प्लीज। तो काउंटिंग फिगर्स के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपके पास ये सारे फिगर काउंट करना सीख जाएंगे। बहुत सारी फिगर्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, और वीडियो के अंदर तो इनके अलावा भी बहुत सारी फिगर्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आइए, लेट अस लर्न समथिंग न्यू, सम न्यू ट्रिक्स विच इज फन टू लर्न। कॉपी पेन लेकर बैठिए मेरे साथ, आप भी ट्राई कीजिएगा, मजा आने वाला है, आई एम श्योर अबाउट दैट। नाउ लेट अस स्टार्ट लर्निंग दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फिगर, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फिगर। नाउ वी विल काउंट ट्राइंगल्स इन दिस। ट्राइंगल्स काउंट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहली ट्राइंगल ऐसे बना सकते हैं, ये वाली होगी, और सेकेंड ट्राइंगल हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये वाली, और थर्ड वाली ऑब्वियसली क्लियर है ये वाली। तो टोटल ट्राइंगल्स यहाँ पर हैं 3, बट इन सबको काउंट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ, क्योंकि आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो तभी ये ट्रिक्स काफी बेनिफिशियल रहेंगी। नाउ लेट अस लर्न द ट्रिक। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इंटरनल ट्राइंगल काउंट कर लेंगे, 1, 2। नाउ अब आपको क्या करना है, सिंपली 1 + 2 एड कर देना है 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अभी हमने काउंट भी की थी, तो ये 3 है। यही आपकी ट्रिक रहती है, आपको सिर्फ इंटरनल ट्राइंगल्स को काउंट कर लेना है एंड देन एड देम। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। नाउ जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई योर क्वेश्चन यूजिंग द सेम ट्रिक। ओके, नाउ इफ वी हैव टू, लेट अस डिस्कस इट, वी हैव टू काउंट ट्राइंगल्स इन दिस ट्राइंगल इन दिस फिगर, वट वी विल डू। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम 1 by 1 ट्राइंगल काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नंबर 1 ट्राइंगल, मैंने इंटरनल ट्राइंगल को नंबर दे दिया 2। अगर हम देखें 1 और 2 को एड करके, मतलब यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रही है, राइट? ये वाली ट्राइंगल भी एक बन रही है। तो ऐसे काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें ये ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। नाउ अब हमारा काम क्या है, सिंपली इन सबको प्लस कर देना है। लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विल बी इक्वल टू 1, 3, 3 + 3, 4, 6 + 4, 10 + 5, 15। सो हियर इन दिस फिगर द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 15, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर, विच इज ट्राइंगल काउंटिंग, सेम। नाउ जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एंड आई एम श्योर यू आर एबल टू डू इट नाउ। जस्ट टेक योर टाइम, योर फर्स्ट ट्राइंगल, योर सेकेंड ट्राइंगल, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट अप। 7। अब आपको ट्राइंगल काउंट करना है, सिंपली कैसे करेंगे, वही हमारी ट्रिक रहेगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, राइट? नाउ व्हाट विल बी योर आंसर। हमने अभी काउंट किया था 5 तक, 15 आया था, 15 + 6 = 21 + 7 = 28, राइट? नाउ let us move on. I think the trick is clear. If you have any doubt, then just watch the video again from starting. Now
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देन हम इन फिगर्स को फिर मिक्सअप करके भी ट्रायंगल्स काउंट करना सीख जाएंगे आज की इस वीडियो में, बहुत ही शानदार रहने वाला है। मेरे साथ साथ ट्राई करते रहिए ताकि आपको सीखने में कोई परेशानी ना हो और आप आगे टाइम तक इन चीजों को याद रख सकें। राइट, 1, 2, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5, सिंपल, हियर आर 5 ट्राइंगल्स। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट काउंट द बेसिस, राइट, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओनली 5 ट्राइंगल्स आर इन दिस फिगर। राइट, नाउ लेट अस मूव। अभी तो हम सिर्फ ट्राइंगल्स काउंट करना सीख रहे हैं, आगे जाकर हम ट्राइंगल के अलावा स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिगर, कैसे हम उनमें कंबाइन होकर जब हमारे पास फिगर्स आ जाती हैं उनको कैसे काउंट करेंगे। तो फिगर काउंटिंग का ये सेशन तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं ये काम आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लेट अस काउंट नाउ। कैन यू नाउ व्हाट आई हैव डन दिस, you have to mix this one and this one. The trick which you have learned here, जो आपने यहाँ पर ट्रिक सीखी है और यहाँ पर सीखी है, इन दोनों फिगर्स में आपको ये ट्रिक, दोनों फिगर्स की ट्रिक आपको कंबाइन करके इस फिगर की काउंटिंग के लिए यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, हम पहले बेस नंबर 1 जो है हमारे पास, ये वाला बेस, इस बेस के ऊपर कितने ट्रायंगल्स बन रही हैं वो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। नाउ हाउ मेनी ट्रायंगल्स फ्रॉम दिस बेस विल यू टेल मी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। नाउ व्हाट विल बी द टोटल, दैट इज 15। नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम दिस ग्रे बेस व्हाट वी कैन शो, वी हैव 15 number of triangles. Now, if we move on to this base, base number 2, how many triangles? 1, 2, 3, 4, 5. Same, 15 triangles we will get, right? Now, if we count on this base, 1, 2, 3, 4, and 5. Hum, kitni triangles mil jayengi hume yahan pe? 15. And same hume इस बेस पे मिल जाएंगे 15। नाउ जस्ट एड दिस 15 + 15 + 15 + 15, दैट इज इक्वल टू 15 × 4, दैट वुड बी इक्वल टू 60। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर इज 60, राइट। हम 60 ट्राइंगल्स काउंट करना इज नॉट एन इजी टास्क, सो वी कैन फॉलो द ट्रिक हियर। हमें ट्रिक यूज करना बहुत इजी रहता है, हमारा जो टाइम होता है एग्जामिनेशन टाइम पे, हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के टाइम पे, बहुत ही ज्यादा टाइम हम इन ट्रिक्स को यूज करके सेव कर पाते हैं, हमारा प्रीशियस टाइम बचा लेते हैं। नेक्स्ट, नाउ इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस ट्रिक देन मूव ऑन, एंड नाउ आई एम प्लीज री एक्सप्लेनिंग दिस ट्रिक व्हाट वी विल डू, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस ट्रिक को मैं अगेन एक बार और क्लैरिफाई कर रही हूं, राइट, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे। तो कैसे करेंगे, हम पहले इंटरनल ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे, 1, जस्ट वेट, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। तो हमारे पास 15 ट्रायंगल्स आए, तो ये वाले बेस पर बेस काउंट करें, 1, 2, 3 एंड 4, 4 बेसिस आर देयर इन दिस ट्रायंगल, सो 15 को हम डायरेक्ट 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें आंसर देगा 16। और हम सेपरेट भी काउंट कर सकते हैं कि इस बेस से हमें 15 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, सेम इस बेस से भी 15 ट्रायंगल मिल जाएंगे, इस वाले बेस से भी 15 मिल जाएंगे और इस वाले बेस से भी 15 मिल जाएंगे। अगर हम सबको एड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 60, राइट। दोनों तरीके से आप आंसर गेट कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल ट्रिक्स है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
Now, what we have to count? We have to count the triangles here. So, let us just count the triangles in this section. First triangle, 1, 2, and 3. थ्री ट्राइंगल मैं पेन का कलर चेंज कर करके ले रही हूं ताकि आपको ट्राइंगल्स काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो. फोर ट्राइंगल्स. तो अभी हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स आई? फोर ट्राइंगल्स तो इंटरनल आ गई. तो क्या आपने बड़ी ट्राइंगल्स को काउंट करा? बड़ी भी तो है एक ट्राइंगल हमारे पास. एक ट्राइंगल हमारे पास ये बड़ी वाली भी तो है. क्या आप उनको भूल गए? तो सो द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हियर इज 5, right? We can use one formula. I have one formula for you. कैसे करेंगे? आपके पास एक formula रहता है 4n-3. Number of triangles counting के लिए आप ये formula use कर सकते हैं. यहां पर कितनी triangle बन रही है? One triangle, जो कि पूरी triangle हमें दिख पा रही है. आपको सिर्फ कंप्लीट ट्राइंगल्स काउंट करनी है, इंटरनल ट्राइंगल यहाँ पे नहीं काउंट करनी. 1 and 2. तो n की वैल्यू यू कैन पुट 2. n इज इक्वल टू 2. तो आपको क्या मिलेगा? 8-3 विल बी इक्वल टू 5. देखो हमारा आंसर दोनों तरीकों से सेम आया है. तो आपके लिए ये फॉर्मूला है 4n-3. क्या गेट करेंगे? इसमें n क्या है? n is the number of triangles, different triangles. आप internal triangles इसमें नहीं count करेंगे, जो कि साइड हमारी count नहीं हुई है. आपने वही triangles count करनी है, right? तो हमारा formula क्या रहेगा? 4n-3. थोड़ा सा revise करें, हमने अभी तक क्या सीखा है, फिर जाके हम आगे और बहुत सारी फिगर्स की फिगर काउंटिंग सीखेंगे. तो हमने सबसे पहले क्या किया था? एक सिंपल ट्राइंगल के अंदर एक पार्टीशन हमें मिली थी एज अ क्वेश्चन. तो हमने क्या किया था? 1 और 2 इंटरनल ट्राइंगल्स को काउंटिंग के लिए नंबर दे दिया था. नंबर देने के बाद हमने क्या किया था? हमने उनको एड करके हमारा काउंट टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वी हैव गेट हमें मिल गया था. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या किया था हमने? सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया था इंटरनल ट्राइंगल्स को काउंट करके उनको ऐड कर दिया और हमारे पास आंसर आया 15, राइट? आई थिंक नाउ द ट्रिक इज वेरी क्लियर टू यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको आंसर मिलेंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके. नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या किया था? थर्ड एग्जाम्पल करने के लिए हमने क्या किया था? 1, 2, 3, 4 वही इंटरनल ट्राइंगल्स को काउंट किया और फिर उन सबको एड कर दिया. तो हमारे पास 28 ट्राइंगल्स निकल करके आई. अब देखिए आओ चेक करें कौन कौन सी फिगर काउंटिंग हमने सीख ली है. यहाँ पर हमने ये वाली ट्राइंगल की फिगर काउंटिंग सीख ली है. फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर वो हो चुका है. सेकेंड क्वेश्चन में क्या था ये भी हम कर चुके हैं, बेसिस काउंट करने थे. नेक्स्ट यहाँ पर मिक्स आ गया. इन दोनों ट्रिक्स को हमने मिक्स करके इस ट्राइंगल का भी काउंट कर लिया है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अभी हमारा हाफ डन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे ट्राइंगल्स काउंट करने, सब फिगर्स ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. इसके लिए भी आपको इजी सी ट्रिक देने वाली हूँ. और यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर में सिखाऊंगी काउंट करना. स्क्वायर में ट्राइंगल काउंट करने की अलग से ट्रिक रहती है, और फिर हम कंबाइन करते हैं इन फिगर्स को और उनमें ट्राइंगल काउंट करना सीखेंगे. बहुत ही अच्छे से आपको सिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को जरूर देखें. तो ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर काउंट करेंगे. लेट मी नंबर दिस फिगर्स 4. नाउ दिस फिगर इज 5. सब फिगर्स के आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं यहाँ पर 7 and 8, राइट? 9, 10, 11 and 12.
वाओ 14। मेरे को लगता है इन इन इस वीडियो को देख के आपका कोई भी ट्रायंगल वाला तो कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। लगभग सभी फिगर्स मैंने इस वीडियो के अंदर ले ली हैं। तो लेट अस लर्न दिस। हम उसके बाद फिफ्थ करेंगे जिसमें कि एक ट्रायंगल और है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर लर्निंग। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, बिल्कुल मत भूलें शेयर करना। तो हमने ये वाली फिगर काउंटिंग कर ली है जिसमें कि हमारा एक फॉर्मूला रहता है 4n-3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल काउंट करते हैं। अभी हम ट्रायंगल काउंटिंग करना ही सीख रहे हैं, तो देखिए कैसे करना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं ट्रायंगल्स, कि फर्स्ट ट्रायंगल आपकी ये वाली है कंप्लीट, दूसरी आपकी ये है एंड तीसरी आपकी अंदर है। तो आपका एन इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। तो 3 ट्रायंगल्स आपके पास हैं। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे जरा। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने फॉर्मूला किया था अभी लास्ट वीडियो में, कौन सा, 4n-3। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको यहीं पर याद रह जाए ये वाली चीज। तो हमारा फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर्स लाइक दिस। इस वाली फिगर्स में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 4n-3। तो n क्या है हमारे पास, अभी 3 है इस फिगर में, तो 4 × 3 दैट -3, 4 3 = 12 -3 दैट इज इक्वल टू 9। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर इज 9। ओके, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। नाउ नाउ जस्ट डू इट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन यूजिंग द सेम फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू। क्या आप आंसर करेंगे, जस्ट पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम। ओके, लेट अस जस्ट सॉल्व इट। 4n-3 वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आई, 1, ये दूसरी ट्रायंगल, ये रेड वाली थर्ड और ये ब्लू वाली फोर्थ। तो n क्या आया हमारे पास यहाँ पर, 4। तो लेट अस पुट द वैल्यू, n इज इक्वल टू 4 - 3, 4 4 = 16 - 3 दैट इज इक्वल टू 13। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर इज 13। 13 ट्रायंगल काउंट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपको ये ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपना प्रीशियस टाइम बचा सके। नाउ इन द फिगर्स लाइक दिस स्क्वायर के अंदर जब हमें ट्रायंगल्स काउंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सेम हम इंटरनल ट्रायंगल, देखो यहाँ पर इंटरनल ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है, आप इस बिंदु से स्टार्ट करके, ये एक ट्रायंगल के बिंदु होगी तो फर्स्ट ट्रायंगल होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट 1 2 3 मतलब ये वाली ट्रायंगल होगी, नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो ये वाली ट्रायंगल होगी, तो नेक्स्ट क्या होगी, ये वाली ट्रायंगल होगी, राइट। तो हम इसको अलग से नंबरिंग दे देंगे 4, राइट। नाउ ये मैक्सिमम नंबर 4 है, तो 4 × 2 मीन्स 8। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 4 ही ट्रायंगल्स हैं, 8 कैसे आया आंसर, 8 आंसर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रायंगल्स बनने वाले हैं। देखो ये वाली ट्रायंगल जो मैं अभी शो कर रही हूँ आपको पिंक कलर में, ये देखो ये क्या 4 में काउंट हुई, नहीं काउंट हुई। तो अगर मैं कहूँ आपको ये वाली ट्रायंगल देखो सिमिलर, आपने ये वाली ट्रायंगल भी काउंट नहीं की थी, राइट। दो तो ऐसे हो गई, और दो क्या आपने काउंट कर सकते हैं, यस। आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ट्रायंगल नहीं छोड़ने वाले, आपको सारे व्यू पॉइंट मिल जाएंगे। देखिए 3, और ऐसे ही आप यहाँ पे एक ट्रायंगल गेट कर लेंगे, दैट विल बी 4th ट्रायंगल। सो ऐसे काउंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम ट्रिक्स फॉलो करते हैं। 4 × 2 = 8, 8 is the right answer। इन द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस शेप इज इक्वल टू 8, राइट। नाउ अब इस फिगर को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, देखिए जरा कैसे हुआ। इंटरनल ट्रायंगल्स काउंट करने की कोशिश कीजिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, टेक योर टाइम। आई
I'll tell you, I'll explain you the trick which we have learned. Now, just do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Right? 8 में कितनी triangles हुई? 8 times 2, that is equal to 16. तो 16 number of triangles are there in this figure. Simple. है ना मजेदार? तो आगे देखते हैं. आगे देखो बहुत सारी फिगर्स हमारी अभी भी बाकी हैं. बहुत सारी फिगर्स मैंने बना के रखी हैं जिनमें की ट्राइंगल काउंट करनी है. बहुत ही लर्निंग वाला सेशन होने वाला है, तो बने रहिएगा, अपनी वीडियो को देखते रहिएगा. देखें क्या क्या सीखा है हमने. हमने सीखा है, मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ये वाली फिगर की काउंटिंग करना आप सीख चुके हैं, इस वाली फिगर की काउंटिंग करना सीख चुके हैं, इस वाली फिगर को भी आप काउंट करना सीख चुके हैं. अभी तक हमने सिर्फ ट्रायंगल काउंटिंग सीखी है. रेक्टेंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, वो तो हमारा भी पढ़ा है, उसको हम देखेंगे. मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ कौन कौन सी फिगर आपने सीख ली है, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाए. नाउ लेट अस लर्न द न्यू ट्रिक. ये बिल्कुल डिफरेंट ट्रिक है, देखते हैं सीखते हैं. तो आइए अब हम काउंट करते हैं इस फिगर के ट्रायंगल्स. हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? देखिए जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू काउंट दीज ट्रायंगल्स. कैसे करेंगे अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. अगर हम बिना ट्रिक के काउंट करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है. ये जो ट्रायंगल की फिगर है ये होमोजीनियस फिगर है, राइट? इसको हम होमोजीनियस फिगर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम देखें कि इस बेस को अगर हम देखते हैं, इस बेस के अकॉर्डिंग इस बेस पर कितनी ट्राइंगल्स हैं? 1, 2, and 3 इंटरनल ट्राइंगल्स 3 बन रही है. एंड इफ वी नोटिस दिस बेस द सेम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर मेड 1, 2, and 3. इस टाइप की फिगर्स को हम होमोजीनियस फिगर करते हैं कहते हैं. देखिए इस वाले ट्राइंगल में भी सिमिलर है ये भी ट्राइंगल, इसमें भी हमारी जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है वो 4 है, 1, 2, 3, and 4. एंड इस ट्राइंगल में भी ट्राइंगल नंबर 4 है, देखिए 1, 2, 3, and 4. जब कभी भी आपको ऐसी फिगर देखने को मिलती है जब होमोजीनियस फिगर है और आपको ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तो इसके लिए हमें हमारे पास ट्रिक रहती है. जैसे 3 है ना, मैक्सिमम नंबर 3 है ना ट्राइंगल का, तो यू विल डू 3 क्यूब. 3 क्यूब मीन्स 3 times 3, मतलब 3 3 जा 9 and 9 3 जा 27. तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर इज 27. नाउ जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर योरसेल्फ फॉर दिस फिगर. इस फिगर में ट्राइंगल अपने आप काउंट करने की कोशिश कीजिए. तो हम क्या करेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. 1, 2, 3, 4. तो इस बेस पर भी जब दो बेसिस पर ट्राइंगल नंबर सेम बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये 4 है ना मैक्सिमम नंबर, तो 4 उठाइए एंड जस्ट उसका क्यूब कर दीजिए. अब क्यूब का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को हम 3 बार गुना कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 times 4 times 4, राइट? नाउ 64 is your answer. Now the total number of triangles in this figure is 64. तो कैसी लगी ये ट्रिक? एक बार और इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके बैक करके जरूर देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन पॉइंट ना रहे. लेट अस चेक हमने क्या क्या सीख लिया है. हमने ये वाली फिगर की ट्राइंगल भी काउंट कर ली है. नाउ कमिंग ऑन टू दिस फिगर, ट्राइंगल 8 भी डन है, 6, नाउ 7 भी डन है. नाउ अब मूव करते हैं हम ट्रिक नंबर 8 पे, ट्रायंगल नंबर 8 की तरफ मूव करते हुए सीखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. ये वाले ट्रायंगल जो है इसमें अब जो हमने पीछे की थी इसमें तो दो बेसिस पे सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल बन रही है. अभी जो हम करने वाले हैं उस पर हर बेस पर, मतलब तीनों बेसिस पर, देखिए जरा नोट कीजिए कितने ट्रायंगल्स बन रही हैं. बेस नंबर 1, बेस नंबर 2 एंड बेस नंबर 3 पे कितने ट्रायंगल्स बन रही हैं देखते हैं. 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट बेस पर हमारी 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं. सेकंड बेस पर नोट डाउन करते हैं 1, 2, 3 एंड 4, राइट? तो 4 ही ट्रायंगल हमारी सेकंड बेस पर बन रही हैं. थर्ड बेस पर कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं? लेट अस काउंट देम आल्सो. 1, 2, 3 एंड
फोर। देखिए अब इस तरह के ट्रायंगल्स में ट्रायंगल काउंट करना बहुत मुश्किल है। देखो इंटरनली कितनी सारी ट्रायंगल्स बन रही हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल दीज ट्रायंगल्स विदाउट यूजिंग ट्रिक। कोई भी ट्रिक यूज के बिना अगर हम इसको करना चाहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए गाइज हम एक नई ट्रिक सीखते हैं जिसमें कि हम इन ट्रायंगल्स को काउंट करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फोर तक काउंटिंग है, तो आप क्या करें, फोर तक काउंटिंग लिख लीजिए। वन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन ताकि विजिबल रहे आपको अच्छे से। वन टू थ्री एंड फोर, राइट नाउ। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ के इस ट्रिक को करना है, तब हम इसको आंसर गेट कर पाएंगे। ट्रिक बहुत इजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वन, अब वन प्लस टू कीजिए, वन प्लस टू इज थ्री। नाउ थ्री प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स। नाउ सिक्स प्लस फोर, राइट, हम ऐड कर रहे हैं 10। तो अभी हम सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 इज 20। क्या यहाँ पर 20 ट्राइंगल्स है? नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आपको नेक्स्ट इसको और सोल्व करना है। अभी आप क्या करिए, नीचे से शुरू कर दीजिए। नीचे से काउंट करते हुए आप फर्स्ट नंबर की तरफ क्रॉस लगाएंगे और सेकंड को इन कर लेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो क्रॉस कर देना है, मतलब फर्स्ट नंबर 10 है उसको कांटा लगा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। और फिर सिक्स को उठाइए, सिक्स को उठाकर आपने इस 20 में ऐड कर देना है। बस अब नेक्स्ट नंबर को फिर से क्रॉस लगा दीजिए और नेक्स्ट नंबर को आपको ले लेना है 1। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपकी हर बेस पर फोर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रही है, तो हमने फोर तक काउंटिंग लिख ली है। देन फिर हम क्या कर रहे हैं, वन को एज इट इज लिखा, वन में इसका नेक्स्ट नंबर जो टू था उसको ऐड किया तो हमारे पास थ्री आया। थ्री को जब हम थ्री से ऐड कर रहे हैं तो सिक्स आएगा। सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 10, राइट। अब क्या करेंगे, हम वन थ्री सिक्स और 10 को ऐड कर लेंगे, 20 आएगा। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हुए हमें क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ जाना है। नीचे से स्टार्ट करते हुए 10 को क्रॉस कर दीजिए, मतलब 10 को काउंट नहीं करना है। देन 6 काउंट कर लीजिए, फिर एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर हमें काउंट कर लेना है, राइट। यहाँ पर 6 और 1 को हम काउंट करेंगे तो हमारा जो है 20 प्लस 6 इज 26 प्लस 1 इज 27, राइट। ये हमारी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर इज टोटल 27। नाउ अभी आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। नाउ लेट अस टिक व्हाट वी हैव डन। वी हैव डन एट्थ आल्सो, राइट। इस तरह की जो इसमें चार ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो पांच वाला क्वेश्चन भी आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हर बेस पे बन रहे हैं, आप इस ट्रिक को यूज करके आप ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th करने जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन करने के लिए लेट अस मूव टू द न्यू स्क्रीन। नाउ नाउ देखिए, जस्ट पॉज द वीडियो और ट्राई कीजिए अपने आप क्वेश्चंस को करने की। अब आप इस ट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक। थोड़ा सा देखिए, इसमें हमने फिगर्स को, मैंने आपको बोला था ना कि कंबाइंड करके भी सीखेंगे, तो हमने यहाँ पर फिगर्स कंबाइन की हैं। कौन कौन सी फिगर कंबाइन की है, एक तो बच्चा हमने ये वाली फिगर कंबाइन की है। देखिए इसमें स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल कह सकते हैं, उसके अंदर इंटरनल ट्राइंगल्स बनाई है, ये वाली फिगर कंबाइन कर दी है। किससे, हमने जो फर्स्ट फर्स्ट पे सीखी थी ये वाली, राइट, ये वाली फिगर मैंने कंबाइन कर दिया है। हम बहुत सारी फिगर्स को कंबाइन करके भी ट्राइंगल्स काउंट करेंगे, रेक्टेंगल काउंट करेंगे, स्क्वायर काउंट करेंगे। तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं, प्लीज डू गिव इट अ शॉट, देखते हैं फिर कैसे आता है। यस नाउ लेट मी डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट यहां पे हम ये वाला स्क्वायर काउंट करते हैं, फर्स्ट नहीं विजिबल नहीं है, राइट। हम ये वाला स्क्वायर काउंट करते हैं, वन टू थ्री
राइट। तो हमने ट्रिक क्या सीखी थी, इस स्क्वायर में कितनी ट्राइंगल मिलेंगी, 4 times 2 दैट इज इक्वल टू 8। 8 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस सेक्शन, राइट। नाउ लेट अस काउंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। 1, 2, 3, and 4 सेम, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस सेक्शन विल आल्सो बी इक्वल टू 8, इस सेक्शन में भी 8 होंगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 and 2 हमने सीखा था ना कि एक ट्रायंगल के अगर पार्टीशन होते हैं और हम उसके बीच में एक लाइन लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने सीखा था 1 और 2 काउंटिंग ट्रायंगल करके 3 आ जाता है, 1 plus 2 करके 3 आ जाता है, इस 3 को टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग हम बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हम बोलते हैं, राइट। सिमिलर यही फिगर सिमिलर है, तो इस बेस में भी हमें 3 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, ओके। नाउ अगर हम ये वाला सेक्शन काउंट करें, कौन से वाला, इस पॉइंट से इतनी फिगर को अगर हम काट के करते हैं काउंट, तो उसमें कितनी है, 3 है, राइट। देखो हमारे पास कितने आ गए टोटल, 8 plus 8 plus 3 plus 3, बट अभी और भी हैं, जस्ट नो डाउन और भी ट्रायंगल्स हैं जिनको कि हमें अभी काउंट करना बाकी है। देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान से, पिंक कलर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे, 1 point 2 point and 3 point। देखो जब हमने ये दोनों फिगर्स कंबाइन किए हैं तो हमारी एक ट्रायंगल ये बन के आ रही है, ठीक। सिमिलर यहां से लेके यहां तक और यहां तक एक ट्रायंगल हमारी ऐसे बन के आ रही है, राइट। सिमिलर वे में एक ट्रायंगल हमारी ऐसे बनेगी, देखिए जरा, और एक ट्रायंगल ही हमारी ऐसे बनेगी। तो हमारे पास नए तरीके से कौन सी आई, 4 ट्रायंगल्स। तो अब हम काउंट करेंगे कितनी हो गई ट्रायंगल्स, बहुत सारी हो गई हैं आई थिंक। तो हम काउंट करते हैं 8 plus 8 plus 3 plus 3 plus 4, राइट। जरा ऐड कीजिए, 8 plus 8 16 16 plus 3 is 19 plus 3 is 20, हमारे पास अभी आया 26। क्या गाइस ये सही आंसर है, नहीं, अभी भी हमारी ट्रायंगल्स काउंट करनी बची हैं। देखो जरा मैं आपको थोड़ा सा और शो करने की कोशिश करती हूँ, हमारी अभी ये वाली ट्रायंगल बची है, देखिए जरा, मैं रेड पेन से इसको डिनोट करने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए जरा, क्या हमने ये वाली ट्रायंगल काउंट की थी, नहीं की, और ये वाले ट्रायंगल, राइट, 1 and 2, ये जो हमने अभी काउंट की थी, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 और ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारा टोटल आंसर कितना आया, 28। ये है हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट यू कैन ऑल्सो डू इट, ओके। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हम वीडियो को दोबारा कर सकते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं अगेन ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेट मी इरेज, ऐसे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। राइट, अभी कुछ साफ हो गया है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करने जा रही हूं ताकि आपको क्लियरेंस रहे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, देखते हैं हमने क्या किया था। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी, 1, 2, 3 and 4, राइट। तो 8 4 times 2 is 8 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस सेक्शन। सिमिलर 1 2 3 and 4, 4 times 2 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। Now 1 2 3, 1 plus 2 3, now 1 2 that is equal to 3, right? अब बात आती है यहां पर ट्राइंगल्स काउंट करने की, हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट से शुरू करके
वन एट सिमिलर, ये वाली एक ट्रायंगल बन रही है, मैं जानबूझ के थोड़ी सी छोटी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टू ट्रायंगल्स सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, ये आप मेरा पॉइंटर देख पा रहे हैं, तो थर्ड ट्रायंगल आपकी ये वाली होगी। ओके नाउ फोर्थ वन इज दिस, राइट। तो सीधी सीधी हमारे यहाँ पर फोर ट्रायंगल्स मिल रही हैं जो कि हम ऐड करेंगे। अभी ओके नाउ अब हम काउंट करते हैं, दो ट्रायंगल जो हमने लास्ट में ऐड की थी वो कौन सी थी, वो कहां से आई, वो यहां से आई, देखो वन टू एंड इस पॉइंट से, राइट। ये ट्रायंगल होगी और एक हमारी ये वाली ट्रायंगल होगी, राइट। टू ट्रायंगल्स आपको इस तरीके से दो और मिली थी। अब हम ऐड करेंगे 8 + 8 16, 16 + 3 इज 19, 19 + 3 इज 22, 22 + 4 इज 26, 26 + 2 इज 28, राइट। नाउ लेट अस चेक व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन दिस फिगर आल्सो, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द न्यू क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके नाउ इन दिस फिगर वी विल लर्न हाउ टू काउंट स्क्वायर्स, टू काउंट गाइस। स्क्वायर्स को काउंट करने से पहले आपको इसकी टर्म का पता होना चाहिए, स्क्वायर्स होते क्या हैं। स्क्वायर्स होते हैं जिनकी हर साइड इक्वल होती है, मतलब फोर साइडेड फिगर जिसमें कि चारों की चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। टू काउंट स्क्वायर हम क्या करते हैं, इंटरनल आप काउंट कर लीजिए वन, एंड हॉरिजेंटली नंबरिंग देनी है इसमें आपको और वर्टिकली नंबरिंग देनी है, राइट। टू, अब आप इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक ये जो वन बचा इसको ऐड कर दीजिए, 2 2 जा 4 + 1। ये तो हम सिंपल भी काउंट कर सकते थे, एक राइट, दूसरा स्क्वायर जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, थर्ड स्क्वायर एंड फोर्थ स्क्वायर, और एक ये जो बड़ा है हम इसको काउंट करना कई बार भूल जाते हैं, प्लीज इसको काउंट करना मत भूलिएगा, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स आ गई है। अभी हम नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हुए ये वाली फिगर की स्क्वायर काउंट करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाले स्क्वायर को कंसीडर करेंगे, बड़े वाला जो स्क्वायर है, राइट, इसको कंसीडर करते हुए हम सबसे पहले इसके स्क्वायर्स काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4, फोर नंबर ऑफ इंटरनल है तो 4 + 1 जो एक बड़ा था ये काउंट हो गया, टोटल 5 तो ये हो गए। फिर हम इंटरनल काउंट करते हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4, और एक ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, राइट, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। नाउ 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 10 इज द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। तो हम स्क्वायर्स काउंट करने के लिए ये वाले ट्रिक यूज करते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव, लेट अस चेक व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव डन दिस फिगर ऑल्सो, वी हैव डन दिस फिगर ऑल्सो, नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ऑल्सो। अभी बहुत सारे ट्रिक्स पढ़े हैं, देखिए हमने कौन कौन सी फिगर्स, इतनी सारी फिगर्स काउंट करना सीख चुके हैं, तो क्या आपको याद है। लेट अस डू अ रिविजन, हम थोड़ी सी रिविजन करते हैं ताकि आप बिल्कुल भी नहीं भूलें, और इस क्लास में जब आप एंड हो जाए तो आप एक कुछ सीख के यहाँ से खड़े होइएगा। तो हमने सबसे पहले इसको काउंट करना सीखा था जिसमें कि हमने इंटरनल ट्रायंगल्स को जस्ट ऐड कर दिया था, नेक्स्ट हमने फिर इंटरनल ट्रायंगल्स काउंट कर दिए थे और उनको ऐड करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गया था। नाउ सिमिलर वे में यह ट्रिक की थी। ओके नाउ
फिर हमने हॉरिजॉन्टल डिवीजन की थी। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हमसे सिर्फ बेसिस ऐड कर दिए थे, बेसिस ऐड करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गए थे। नेक्स्ट फिर हमने जो पीछे से लर्न की थी, दोनों बेस जो थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया था टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल से, राइट। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 तक लिख के उनको ऐड कर दिया, 15 आ गया। और 15 को टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 बेसिस हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 60 निकल कर आया था, जो कि काउंट करना रियल में बहुत मुश्किल है। नाउ फिर हमने ये वाली ट्रिक सीखी थी जिसमें कि हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है 4n-3, 4n-3 को यूज करके n क्या है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, जो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं उसको काउंट कीजिए। यहाँ पर एक छोटी ट्रायंगल थी और एक बड़ी ट्रायंगल थी, दोनों को हमने काउंट कर लिया था, 2 तो 2 हमने यहाँ पर भर दिया था, तो 4 times 2 is 8 -3, दैट इज इक्वल टू 5, राइट। नेक्स्ट फिर हमने एक और ट्रिक, इसी ट्रायंगल वाले ट्रिक को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हुए उसमें 3 ट्रायंगल बना ली थी, 1 2 3, देखिए थर्ड ट्रायंगल ये वाली बन गई है, येलो तो हमने सीखते हुए बनाई थी, तो 4n-3 हो गया। 4n-3 में n इज इक्वल टू 3 भरा तो 4 times 3 is 12, -3 एज इट इज आ जाएगा, तो 12 - 3 क्या होगा, 9, राइट। नाउ अब फिर इसमें हमने क्या किया था, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया फिगर को, तो हमने 1 2 3 एंड 4, 4 ट्रायंगल्स ले ली थी, n हमारा क्या हुआ 4, तो 4 हमने n की जगह पे पुट करा, 4 times 4 is, अब ब्रैकेट लगाइए चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, आपका आंसर जो होगा वो 16 ही आएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 4 times 4 is 16, -3 विल बी एज इट इज, तो 13 हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट हमने आज ये सीखा है कि एक रेक्टेंगल में या एक स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल्स काउंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इंटरनल ट्रायंगल्स काउंट कर लेंगे, इंटरनल ट्रायंगल्स को काउंट करके हम उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 1 2 3 एंड 4 सेक्शन काउंट किए थे, 4 इंटरनल ट्रायंगल्स काउंट कर रही थी, मतलब 4 ट्रायंगल्स बन रही थी, 4 times 2 is 8, राइट। टाइम 2 कर देना है, बस सिंपल है। नेक्स्ट इस ट्रिक में हमने क्या किया था, हमने इंटरनल ट्रायंगल्स को काउंट करके सेम हमने जो अभी डिस्कस की है 8 times 2 16 नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स आ गई थी इसमें, राइट। कुछ मुश्किल नहीं है बिल्कुल, आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे। हाँ अब हमने ये काउंट की थी कि जब हमारे होमोजीनियस ट्रायंगल्स आ जाती है, होमोजीनियस ट्रायंगल्स में 2 बेसिस पर नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो सेम बनता है, मतलब इस नंबर 1 बेस अगर हम इसको लें और इसको सेकंड बेस लें, इस ट्रायंगल को बेस मानते हुए, इस वाले बेस को मानते हुए, तो हमने काउंट किया कि कितनी ट्रायंगल्स बन रही है, 3 ट्रायंगल्स बन रही है। सिमिलरली सेकेंड वाले बेस पर भी 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो 3 क्यूब होता है, आपको क्यूब कर देना है जितने ट्रायंगल्स बन रही है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 3 times 3 times 3, जो कि हमें आंसर देगा 27, ओके 27 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस सेक्शन, राइट। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर अगर बेसिस पे 4 ट्रायंगल, बेस नंबर 1 लेट इट बी बेस नंबर 2, राइट। अब 2 बेस, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये एक होमोजीनियस ट्रायंगल है, होमोजीनियस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें 2 बेसिस पर सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहा हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 4 ट्रायंगल्स बन रही है, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, सिंपल 4 times cube is, मतलब 4 times 4 times 4 is equal to 64, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस सेक्शन इन दिस फिगर इज 64। फिर हमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो एक फिगर थी, लोगों को बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, एग्जाम में देखते ही इसका आंसर गलत कर देते हैं, बहुत ही ध्यान से सीखने वाली है थोड़ी सी, तो हमने क्या किया, इसमें क्या था, तीनों के तीनों बेसिस पर सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहा है, हमारी होमोजीनियस फिगर में 2 नंबर पर बन रहा था, अब यहाँ पर 3 बेसिस पे सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, तो
इसकी प्रोसेस अगर हम जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहें तो फोर ट्राइंगल्स बन रही है, तो फोर द काउंटिंग लिखिए, वन को एज इट इज लिखा, वन में टू एड किया थ्री आ गया, थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, सिक्स प्लस फोर इज टेन, तो हमने सबको एड कर दिया, एड करने के बाद वी गेट 20, तो हमने लास्ट से क्रॉस करना शुरू करा, ये वाला नंबर हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिक्स को काउंट करेंगे, एड कर दिया सिक्स लिख दिया, फिर हम थ्री को छोड़ के वन को लिखेंगे, तो 20 + 6 + 1 इज 20। आई थिंक आई होप आप वीडियो को आपको बहुत पसंद आ रही है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा, इससे गाइस क्या होता है मेरी मोटिवेशन बनी रहती है, मुझे और यूजफुल स्टफ बनाने में हेल्प मिलती है। अब ये वाली फिगर में हमने ट्रायंगल काउंट की थी, इस फिगर में ट्रायंगल काउंट करने के लिए हमने बहुत ही अच्छे से पिछली वाली सारे ट्रिक्स को मिक्स करके इस ट्रायंगल को काउंट करना सीखा है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हुए एक स्क्वायर वाली ट्रिक लगाएंगे, एक हम सेक्शन वाली ट्रिक लगाएंगे, 1 2 1 + 2 3 आ गया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 ट्राइंगल्स बन रही है तो 8 आ गया, यहाँ पे भी 4 बन रही है तो 8 आ गया, यहाँ पर 2 बन रही है 1 और 2 तो 3 आ गया, एंड नाउ 4 हमने ऐसे वाली की थी, एक एक ये वाली की थी, मैं आपको बार बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे और आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर पाए, 4 तो ये हो गई थी और 2 हमने फिर से ये वाली काउंट की थी राइट, जो कि दो स्क्वायर्स को मिला के बनी थी बड़ी वाली ट्रायंगल, ओके, तो 28 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया था राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द काउंटिंग स्क्वायर ट्रिक, स्क्वायर को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर को काउंट करने के लिए हम जस्ट नंबरिंग दे देते हैं, अब इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर भी काउंट करेंगे, इसमें भी स्क्वायर काउंट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम रेक्टेंगल्स भी काउंट करना सीखेंगे राइट। तो काउंटिंग स्क्वायर के लिए आप क्या करें, 1 2 3 1 और 2 हॉरिजॉन्टली नंबरिंग दे दीजिए और वर्टिकली नंबरिंग दे दीजिए, वर्टिकली नंबरिंग के बाद आपके पास 1 और 2 है, फिर आप ये लास्ट नंबर को, ये वाले लास्ट को आप लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से अब 1 बचा है तो उसको भी लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपके पास 4 है 5 है, ऐसे ही आपको ये करना है, 1 और 2 और 3 और 4 और एक बड़ा हो गया 5, और उसके बाद हमने इंटरनली काउंट कर लिया था वो भी 5 आया था, तो 10 हमारा आंसर आ गया। नाउ अब थोड़ा और सीखते हैं, बहुत कुछ है अभी सीखने को बाकी है, तो हम क्या करेंगे देखिए जरा इस स्क्वायर के अंदर अगर मैं बिंदु लगाऊं 1 2 3 और 4, सबसे पहले हम बड़ा स्क्वायर काउंट करते हैं, 1 हो गया, फिर हम देखो ये वाली पार्टीशन को चेक करो एंड ये वाली पार्टीशन को चेक करो, तो ये हमारी सिमिलर बन गई, ये 1 और ये 2 राइट, ये वाला 1 स्क्वायर, ये वाला 2 स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर राइट, 4 स्क्वायर्स मिल गए आपको ओके, आप यहां पर ऐड कर दीजिए राइट। अब देखते हैं ये वाले बिंदु डॉट्स 1 2 3, थोड़ा टेढ़ा है बट ये भी एक स्क्वायर है, तो आप इसको 1 ऐड कर दीजिए। नाउ अब ये वाली पार्टीशन नोट डाउन कीजिए, देखो ये भी तो एक स्क्वायर है, हमें यहाँ पर टेढ़ा दिख रहा है बट है तो ये एक स्क्वायर ना, जो कि हमारी नॉर्मल काउंटिंग में नहीं आता, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर एंड फोर्थ स्क्वायर ओके। नाउ 4 स्क्वायर राइट, 1 + 1 2 + 4 + 4 8 10, 10 is the total number of squares, यहाँ पर हमने क्या काउंट करा है squares, कहीं आप ट्राइंगल्स वाले ट्रिक कंफ्यूज मत कर देना यहाँ पर ओके। तो देखो कितना इजीली हमने स्क्वायर्स काउंट कर लिए, नाउ लेट अस मूव टू द स्टार ओके। नाउ अगर हमारे पास ये वाली फिगर आ जाती है तो आपके पास ट्राइंगल काउंट करने के लिए ट्रिक होती है, यहाँ पर हम ट्राइंगल्स काउंट करेंगे राइट, नेक्स्ट भी हम स्टार करेंगे बट इन दोनों स्टार्स में फर्क है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ट्राइंगल छोटी छोटी बन रही हैं, तो आप सिंपली 6 + 2 = 8,
टू ऐड कर दीजिए, ओके इस वाली फिगर में जब भी आपके सिक्स ट्राइंगल्स बनेंगे जस्ट टू ऐड करिए और एट आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, राइट। नाउ नाउ लेट अस चेक कौन कौन सी फिगर हम डन कर चुके हैं। यस बहुत सारी काउंट कर चुके हैं, ये वाली भी कर चुके हैं और ये वाली भी कर चुके हैं। ओ सेकेंड वाला स्टार यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन हम उसको भी काउंट करना सीखेंगे, राइट। तो लेट अस मूव टू द न्यू क्वेश्चन। इसमें कितने स्टार, इस स्टार में कितने ट्राइंगल बने देखते हैं, फोर और फाइव। ओ यहाँ पर तो फाइव बन रही है। इस वाली ट्राइंगल में जब भी आपके स्टार में फाइव ट्राइंगल्स इंटरनली बने तो आपको क्या करना है, फाइव टाइम्स टू कर देना है बस, एन, क्योंकि हर छोटी ट्रायंगल के साथ एक बड़ी ट्रायंगल भी बनेगी। तो आप उस ट्रिक की तरफ जाइए ही मत, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ टाइम्स टू करना इजी रहेगा, टेन नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन दिस फिगर इज द आंसर, ओके। नाउ अगेन मूविंग ऑन टू द काउंटिंग स्क्वायर्स। गाइस अब हम क्या करेंगे, हम एक जगह पर काउंटिंग स्क्वायर्स करेंगे। इस वाले सेक्शन में हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे, ओके, और इस वाले सेक्शन में हम रेक्टेंगल काउंट भी करना सीख जाएंगे। राइट हम इस वाले फिगर में स्क्वायर, इस साइड में इसी फिगर की, सेम फिगर की स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टली नंबरिंग देंगे, जो क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव, और अब हम इसको वर्टिकली भी नंबरिंग दे देंगे, जो क्योंकि वन टू थ्री एंड फोर। स्क्वायर काउंट करने की ये ट्रिक रहती है कि आपको ये जो लास्ट नंबर आया है इस लास्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, फोर टाइम्स फाइव। अब आपको क्या करना है, ये वाला नेक्स्ट नंबर थ्री को फोर से मल्टीप्लाई कीजिए, फोर कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आपको स्क्वायर काउंट करना पड़े तो वो तो बहुत ही मुश्किल होगा। टू इंटू थ्री एंड नेक्स्ट है आपका वन को टू से, राइट। अब लिखेंगे वन एंड टू, अभी यहां पर वन आ गया तो यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस। फोर टाइम्स फाइव इज ट्वेंटी, थ्री टाइम्स फोर इज 12, 2 times 3 is 6, and 2 times 1 is 2, right? Now you will count 20 plus 12 is 32, plus 6 is 38, plus 2, 40. 40 is the total number of square in this figure. Square, जिसके की सारी sides बराबर होती हैं, उसको हम square कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? मैं थोड़ा सा repeat कर रही हूँ trick को, ताकि कोई confusion बाकी ना रहे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टली नंबरिंग दे देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके फाइव तक नंबरिंग करके आप इधर से वर्टिकली नंबरिंग भी दे देंगे, फोर तक आएगी। तो आप इस फोर को, ये वाले फोर को आप इस वाले फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर टाइम्स फाइव इज ट्वेंटी। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फोर में से एक कम करा थ्री और फाइव में से कम करा फोर, इसमें से एक कम करा, इसमें से एक कम करा, इसमें से एक कम करा, इसमें से एक माइनस वन करा। तो आपको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाना है और लास्ट में आपको ऐड कर देना है। ये आपका स्क्वायर ट्रिक है। किसी भी फिगर में कितने भी नंबर ऑफ पार्टीशन हो, आप इस फिगर से काउंटिंग स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली आपको। तो अब हम करेंगे रेक्टेंगल्स की ट्रिक, जो कि बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, सिमिलरली हॉरिजॉन्टली हम दे देंगे, फर्स्ट सेक्शन है टू थ्री फोर एंड फाइव,
सिंपली आपको इनको नंबरिंग दे देनी है। अब क्या करना है, आपको इनको ऐड कर देना है, ओके, हॉरिजॉन्टली नंबरिंग देके आपको इनको ऐड कर देना है, जो कि हमें नंबर देगा 1+2+3+4+5, राइट, जो कि हमारे पास नंबर आएगा 1+2 3 3+3 6 6+4 10 10+5 15, राइट, यहाँ पर एक 15 आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वर्टिकली भी ऐड कर देंगे 1+2+3+4, तो 1+2+3+4, राइट, तो क्या आंसर आएगा 1+2 3 3+3 6+4 10। अब यहाँ पर 10 आया ऐड करके, इस 10 को आपको इस 15 से, या तो कहें इस 15 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स is equal to 15 times 10, that is equal to 150, right? तो 150 triangles count, rectangles count करना तो मेरे को नहीं लगता कि easy है, बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हमने बहुत ही easy way में trick से सीखा है। ये तो आपको सिखाते हुए थोड़ा सा time लगता है, ताकि मैं explain करने में कोई कमी ना रह जाए, आपको समझ में, जब समझ आ जाएगा आपको, करने में देर नहीं लगने वाली आपको। तो थोड़ा सा रिपीट करूंगी, स्क्वायर और रेक्टेंगल के थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं होता। स्क्वायर्स के लिए हम नीचे से शुरू करते हुए डायरेक्ट हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम फिर 3 को 4 से करते हैं, 2 को 3 से करते हैं और 1 को 2 से करते हैं। और रेक्टेंगल काउंट के लिए हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नंबरिंग देके उनको एड कर देते हैं और आपस में उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारे पास नंबर आता है, राइट। तो आइए गाइस, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। लेट अस मूव टू दिस फिगर, ये तो सेम है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ा सा आप ट्राई करके देखिए, सेम मैं आपको पहले वाली फिगर छुपा देती हूँ, आप ट्राई कीजिए, स्क्वायर भी काउंट कीजिए, रेक्टेंगल भी काउंट कीजिए। टिल देन मैं आपके लिए थोड़ी सी और एक फिगर बना देती हूँ, तो आप उसमें भी स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना। ये वाले क्वेश्चन को आप इस फिगर में रेक्टेंगल काउंट करके दिखाइए जरा, फिगर नंबर 2 में, ठीक। होप जस्ट पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम नाउ। हॉरिजॉन्टली नंबरिंग देंगे, वर्टिकली नंबरिंग देंगे, आप यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट करेंगे, नीचे से नहीं 1 स्टार्ट करेंगे, ओके, ये तो आप कर ही लेंगे, हो जाएगा। आप टाइम ना वेस्ट करते हुए ये सेकंड वाली फिगर की ट्रायंगल्स एंड काउंट, सॉरी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स काउंट कीजिए। स्क्वायर्स का आंसर लिखेंगे एंड रेक्टेंगल्स का आंसर यहां पर लिख देंगे, ओके, होप सो यू हैव गॉट योर आंसर। लेट मी एक्सप्लेन दिस, 1, 2, 3, जो कि मैंने हॉरिजॉन्टली इसको नंबरिंग दे दी है, वर्टिकली नंबर दे रही हूं, स्क्वायर के लिए इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट इस 2 को इस 2 से किया, प्लस करना है यहाँ पर 2 times 2+1, ओके, 1 times 1 is 1, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ रहा है 9, 9+4 दैट इज इक्वल टू 13+1, 14 number of squares will be there in this figure. Now let us count number of rectangles also. Rectangles count करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1, 2, 3 number दिया और उसको add कर दिया, 1+2+3 is 6, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप 6 को, और सेम 6 आपको यहाँ पे मिलेगा after adding vertically also. 6 को 6 से multiply कर, 6 को 6, आप याद रखिए स्क्वायर में ऐड करना है मल्टीप्लाई करने के बाद, बट रेक्टेंगल में पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है,
आप समझ लेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रेक्टेंगल्स क्या हुई, हमेशा जो काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल का आंसर ज्यादा आएगा मोर देन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो होती है वो रेक्टेंगल में भी काउंट हो जाती है और वो होती है। नेक्स्ट आपकी ये वाली फिगर है, इस फिगर को में ट्रायंगल्स काउंट करके आपको शो करना है कितना आंसर आ रहा है। जस्ट पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम एंड गेट योर आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, जस्ट डू इट फास्ट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 5 = 15, 6 = 20। 21 ट्रायंगल्स फ्रॉम दिस सेक्शन, सेम बेस है देखो, तो इस बेस नंबर 2 से भी 21 मिल जाएंगे हमें। अब तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, मिस है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसकी नंबरिंग काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 5 तक काउंटिंग करना ऐड, अब तो इतनी बार ऐड कर चुके हैं कि हमें आंसर याद हो चुका है कि 15 आएगा। ओके, नाउ हम फिर देखिए यहाँ पर 2 सेक्शन में लाइन नहीं है, तो यहाँ ये वाले ट्राइंगल हमने काउंट नहीं करनी है क्योंकि ट्राइंगल बनी ही नहीं, यहाँ पर बेस ही नहीं है। तो बेस कितने ट्राइंगल्स के ऊपर है, 1, 2, 3 और 4, अब सिर्फ 4 तक ऐड करेंगे। ओके, 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू, राइट। नाउ अब ये काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 तक ऐड करेंगे तो 10 यहां से मिल जाए। नाउ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल टोटल इज 10, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो मैं साथ साथ लिखती जा रही हूं, 10, 15, 21 और 20। जस्ट ऐड देम ऑल, 20, 20 + 15 = 35, 35, 55, 56, 57 and 77. 77 is the total number of triangles in this section. Hope you like the video. Please share करते रहिएगा, comment करते रहिए अपना answer. Now, अब तो बहुत complicated होने वाला है, बट मुझे ये होप है आप बहुत जल्दी इसका आंसर गेट कर लेंगे। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, टिल देन लेट अस चेक व्हाट वी हैव डन। वी हैव डन दिस फिगर, इसके साथ हमने एक और 5 ट्रायंगल वाली करी थी ट्रिक, ये वाली भी करी थी, दिस इज आल्सो डन। अभी यहाँ पर 16th ट्रायंगल बची है, 16th फिगर बची है, तो लेट अस थोड़ा रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने अभी तक सीखा है। यहां तक गाइज मैंने रिवाइज करवा दिया था आई थिंक आपको, यस, यहां तक हमने काउंट करके रिवीजन कर ली थी। तो आप अगर अभी भी आपको डाउट है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस स्टार वाले फिगर में ट्रायंगल काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इंटरनली ट्रायंगल्स को नंबर दे दीजिए और इसमें 2 ऐड कर दीजिए, ज्यादा डीप मत जाइए, ये बहुत ही इजी वे में आपको आंसर दे देगा। अगर आपके पास कोई भी स्टार वाली लाइक स्ट्रक्चर आता है और आपको उसमें ट्रायंगल्स काउंट करनी है, उसमें क्या होगा, आपको 5 अगर बन रही है तो 5 × 2 कर दीजिए, क्या ना आपका आंसर होगा, सिंपल। फिर इसमें हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल की एक ट्रिक की है, स्क्वायर के लिए हमने हॉरिजॉन्टली नंबरिंग तो आपको दोनों ही ट्रिक्स में देनी है, लेकिन स्क्वायर में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, बट रेक्टेंगल्स में हम पहले हॉरिजॉन्टली ऐड और वर्टिकली ऐड करके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने ये वाली फिगर भी ड्रॉ करके इसका कर लिया था, प्रैक्टिस भी हमने कर ली काफी। फिर हमने ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फिगर भी सॉल्व कर ली है, जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछी जाती है, कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको, देखिए जरा इसको काउंट करना कितना इजी है, बट ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाते हैं, तो बच्चे छोड़ आते हैं या गलत कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ही ट्राइंगल इस सेक्शन से मिलेगी तो 3 + 1 = 4 इज द आंसर।
बच्चे कई बार 5 आंसर कर देते हैं, 6 आंसर कर देते हैं, तो वो गलत होते हैं। चीजों को अच्छे से सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं इस सेक्शन की। काउंट कर लिया होगा आई थिंक सो, आपने कोशिश की होगी, देखते हैं चेक करते हैं। तो हमने ये करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, तो 8 times 2 दैट इज इक्वल टू 16, 16 फ्रॉम दिस सेक्शन राइट। नाउ 1 2 3 1 plus 2 plus 3 is 6। आई होप आपका आंसर सही जा रहा है। 1 2 3 6 अभी तक सही हो? यस, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट, अभी इसमें और भी ट्रायंगल बन रही हैं, और भी ट्रायंगल बन रही हैं। जस्ट टेक योर टाइम एंड यू कैन काउंट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। क्या आपने ये वाली ट्रायंगल काउंट करी? यहां से स्टार्ट करके ये वाली एंड ये वाली, वन ट्रायंगल हमें यहां से मिली और सिमिलर वन हमारी यहां से मिलेगी। देखो जरा, जब हम फिगर्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ और ट्रायंगल्स बन के आते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा टू ट्रायंगल्स बन के आई हैं। तो लेट अस नाउ एड इट, 6 plus 6 plus 16 plus 2, तो कितना है 30। 30 इज योर आंसर, इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। कैसा रहा सेशन, आपको मजा आया? गाइज मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों को सिखाते सिखाते। नेक्स्ट लेट अस थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम। अगर आपको कुछ ऐसी फिगर आ जाती है, काउंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसी फिगर आ जाती है तो आप ट्राइंगल्स काउंट कैसे करेंगे? जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, बहुत ही मजेदार है ये सेशन। ओके लेट मी एक्सप्लेन। आप इस ट्राइंगल में यहां से बेस को डिवाइड कर दीजिए, तो देखो हमारी ट्रिक, हमने जो अभी तक सीखी थी आ रही है सामने। 1 2 3 तो 6 ट्राइंगल दिस सेक्शन से, 6 यहां से। ओके अब थोड़ा डिफरेंट है, देखिए जरा। यहां से ये वाली ट्राइंगल आपकी बन के आ रही है। ओके एक ऐसे ही आपकी इधर से भी बन के आ रही है, दो, और क्या आप एक और नोटिस कर पा रहे हैं? ये वाली भी तो आ रही है। लेट मी इरेज दिस। टू ट्राइंगल्स आपने काउंट कर ली हैं। अब एक ट्राइंगल और हम काउंट करके उसको डायरेक्ट ही लिखेंगे। देखिए जरा, 1, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक ये वाली लाइन। तो आपकी 3 ट्राइंगल्स और इसमें ऐड हो जाएंगी, तो जो हमारा आंसर देंगे 15। विल यू ट्राई सम मोर क्वेश्चन? Let us discuss. मान लीजिए गाइज आपको ऐसी फिगर आ जाती है, अब करिए ट्रायंगल्स काउंट। ट्रायंगल काउंट करना बहुत ही इजी है इस ट्रिक में भी। जस्ट पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, ट्राई इट आउट। देखिए जरा सेक्शन काउंट करेंगे, ये देखो
ये वाला सेक्शन इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि ये एक अलग ही शेप है, ये ट्राइंगल नहीं है। हमें इंटरनली ट्राइंगल्स ही काउंट करने हैं। सिक्स ट्राइंगल्स तो आपकी हो गई हैं, तो सिक्स को लिख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अगर हम टू नंबर टू ट्राइंगल और थ्री को जोड़ देते हैं तो भी हमारे पास एक ट्राइंगल निकल कर आ रही है। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को जोड़ देते हैं तो भी हमारे पास एक ट्राइंगल निकल कर आ गया, तो दो ये हो गई। ओके, नाउ नाउ अगर मैं कहूं कि हम वन और सिक्स और ये पूरे पोर्शन को जोड़ दें तो भी हमारी एक बड़ी ट्राइंगल निकल कर आ रही है, और सिमिलर इस वाले सेक्शन में भी हमारी एक ट्राइंगल निकल कर आ रही है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 10। मजा आया आपको? डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। चलो अभी एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें कि हम ट्राइंगल काउंट करेंगे। ये फिगर्स बनाने में बड़ी मुश्किल है आपके आपके लिए, ऐसी वीडियोस लेकर आना मेरे लिए काफी लेबर वाला काम होता है। तो प्लीज आप अपने सब्सक्रिप्शन की ही आपके लिए सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज टू सब्सक्राइब, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। 1 2 3 4, तो 4 times 2 is 8 हमने अभी तक सीख चुके हैं। फिर ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दो और फिर देखिए ट्रायंगल्स तो इसमें और भी बहुत मिल रही हैं, 1 and 2। ऑलवेज जब हमारी फिगर्स कंबाइन होती है तो एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स निकल कर आती है, एक बड़ी वाली 3। तो कितना आया आंसर हमारा? 13। बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ। तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंटिंग करिए अगर आप पसंद आए वीडियो तो भी, और अगर कोई डाउट्स हैं तो भी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।